आर्मेनिया और अजरबैजान में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के हमले से बचाव के लिए रूस से मदद मांगी है। उधर युगांडा की राजधानी कंपाला में कल दो बड़े धमाके हुए। धमाके के पास के होटल में ठहरी भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम सुरक्षित है और अंतरिक्ष में रूस की जंगी होड़ को लेकर अमेरिका भड़का हुआ है। रूस ने बातचीत की पेशकश की है। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर जंग शुरू हो गई। दोनों देशों के बीच भीषण सैन्य झड़प में अजरबैजान ने आर्मेनिया के 15 जवानों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 12 सैनिकों को बंधक बना लिया। आर्मेनिया ने अजरबैजान के हमले का वीडियो भी जारी किया। इस बीच आर्मेनिया ने अपने सैनिकों को छुड़ाने और कब्जाई जमीन को वापस दिलवाने के लिए रूस से मदद मांगी है। युगांडा की राजधानी कंपाला में कल एक के बाद एक दो बड़े आत्मघाती धमाके हुए। इस धमाके में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई बुरी तरह घायल हैं। धमाके के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पहला धमाका एक होटल के पास हुआ, जबकि दूसरा धमाका संसद भवन के पास हुआ। इन धमाकों को युगांडा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बताया जा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के सबसे बड़े होलसेल मार्केट में कल आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल रही। आग लगने के दौरान यहां धमाके की आवाजें भी सुनाई दी। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि किसी की साजिश है या फिर हादसा। तुर्की ने अत्याधुनिक STM-500 मिनी पनडुब्बी का निर्माण अगले साल से शुरू करने का ऐलान किया है। ये पनडुब्बी पारंपरिक पनडुब्बी के आकार की तुलना में करीब आधी है। तुर्की इसे अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात कर सकता है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक तुर्की इसे पाकिस्तान को भी बेच सकता है, जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। 15 नवंबर को अंतरिक्ष में अपने पुराने सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए रूस के एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट पर अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका ने कहा है कि रूस ने अंतरिक्ष की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। अमेरिका के कड़े विरोध के बाद रूस ने कहा है कि वो अमेरिका समेत दूसरे देशों के साथ अंतरिक्ष सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हालांकि रूस ने कहा कि अमेरिका भी अंतरिक्ष में स्ट्राइक सिस्टम तैनात करने में लगा है। ब्लैक सी और बाल्टिक इलाके में रूस की बढ़ती दादागिरी को लेकर नाटो ने उसे सख्त संदेश दिया है। नाटो ने कहा है कि यहां मित्र राष्ट्रों की मौजूदगी और वॉर रिहर्सल सुरक्षा को लेकर उठाया गया कदम है, न कि किसी पर हमला करने के लिए। नाटो के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि हम किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर शरणार्थियों के जमावड़े को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पोलैंड लगातार बेलारूस की ओर से उसकी सीमा में घुसने की कोशिश करने वाले शरणार्थियों को रोकने के लिए पानी की बौछार कर रहा है। सीमा पर लगाए गए कटीले तारों को भी शरणार्थी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पोलैंड में शरण लेने के लिए शरणार्थी बच्चों को सिगरेट की बट से जलाकर सहानुभूति पाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तालिबान सरकार के डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अखुंद ने काबुल दौरे पर आए ईरान के राष्ट्रपति के विशेष दूत से मुलाकात की। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ हुई इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर बात हुई। ईरान शुरू से ही तालिबान का समर्थक रहा है। दोनों देशों ने व्यापार और सीमा सुरक्षा को लेकर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। हाल के दिनों में बढ़ते आतंकी हमले को लेकर तालिबान ने अफगानिस्तान में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ऑपरेशन को तेज कर दिया है। तालिबान ने कंधार प्रांत में इस्लामिक स्टेट की खुरासान गुट और इराक में सक्रिय गुटों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान में आईएस के 4 आतंकियों को मार गिराने और 10 को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।